वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी फ़िलहाल हम लोग आए थे उदगीर के अंदर में, और उदगीर के अंदर में हम लोग खास दो ही लोकेशन के ऊपर में विज़िट करने वाले हैं। फर्स्ट जो है रानी महल करके है, उसके स्पॉट के ऊपर में हम लोग आ चुके हैं, और सेकंड जो है उदगीर का साईधाम है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लोकेशन का हम आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और नए नए कमेंट्स करो। और आप कैसा है, वीडियोस तो देख लेते हो पर सब्सक्राइब करे बिना वीडियो को छोड़ के चले जाते हो, तो उससे हमें थोड़ा सा दुख होता है, दर्द होता है, क्यों तो इतना मेहनत लेके हम वीडियोस बना रहे हैं। तो आप थोड़ा सा भी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम वीडियोस कल चल के कैसे हम आगे थोड़ा सा ग्रो करेंगे। जितना हमारा ग्रो होगा उतना अपने जलकोट का भी ग्रो होगा। तो ये सोच के थोड़ा सा आप यूट्यूब के लिए हमारे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और हम ऐसे ही नए नए लोकेशंस के ऊपर में आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं वीडियो के गाइस। अभी हम लोग आ चुके हैं अपने लोकेशन के ऊपर में, और ये जो आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है ये है उदगीर का रानी महल। अपने स्पेक्टेकल्स उतारता हूँ मैं, थोड़ा सा आई कॉन्टैक्ट मिला पाऊँ आपसे। तो ये जो है ये सारा रानी महल है, और इसके अंदर देखते हैं हम, देखने के जैसा क्या है, इसकी खासियत क्या है, ये देखेंगे आज। चलो चलते हैं। यहाँ से रास्ता है तो हम ऊपर जाएंगे और ऊपर से देखेंगे कि लुक कैसा है, इसके बाद में फ्लाई वीडियो लेंगे जो आपको देखने में थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। तो हम चलते हैं ऊपर। यहाँ पे एक्चुअली देखने जैसी कोई चीज़ तो मुझे लगी नहीं, क्योंकि ये सारा जो है खंडर बन चुका है, और इसके ऊपर में गवर्नमेंट का भी कोई चार्जेस नहीं है, तो इसमें कोई देखने से मज़ा नहीं है। तब बस हमने यहाँ पे बहुत सारा चर्चे चलते इस लोकेशन के, इसलिए हमने यहाँ पे सोचा कि चलो आते हैं और आपको कुछ स्पेशल इस चीज़ का दिखाते हैं। तो उतना कोई बेटर क्वालिटी नहीं है, ये जो है बस इतना सा है। पता नहीं इसमें रानी रहती थी भी या नहीं, या रानी आई भी होगी या नहीं, पता नहीं, पर जो भी है ठीक है, अपने हिसाब से ठीक है। देखने जैसा कोई बेटर प्लेस नहीं है। हाँ, हो सकता है फोटोशूट कर सकते हैं यहाँ पे, छोटे मोटे वीडियोस बना सकते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर कुछ नहीं। सुकून उड़ गया है इस जगह से। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर की साइड में, देखने जैसा तो कुछ खास नहीं है, पर फिर भी देखो, मज़े करो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और है ना, कुछ नई नई चीज़ें कमेंट करो। अरे खिड़की खिड़की है, खिड़की है या दरवाजा है पता नहीं, पर जो भी है मज़ेदार है। किधर से भी निकला। तो फाइनली गाइज, देख के कुछ मज़ा नहीं आया, आपको आया क्या मज़ा? हाँ, नहीं नहीं, आपको बिल्कुल नहीं आया मज़ा। आपको आया मज़ा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। देखने के लायक भी चीज़ नहीं है ये। तो क्या करते हैं हम लोग, इस चीज़ की तो बुराई नहीं कर रहे हम लोग, पर जो है ना, वो बोलते ना, खंडर तो खंडर है और महल तो महल है। पता नहीं तब के ज़माने में इसकी क्या वैल्यू थी, और अब क्या है आप देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट है, और मेरे ख्याल से ये जो है ये नीचे वाला ये फाउंटेन टाइप कुछ है, और ये इसका फ्रंट है। तो हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करने आए थे, पर देखने लायक तो कुछ है नहीं यहाँ पे। और वहाँ से जो वो जो दिखाई दे रहा है आपको, वो एक वेल है, जिसको हिंदी में बोलेंगे बावड़ी, है ना, बावड़ी है, पानी भी है उसके अंदर में, पर वहाँ जाएंगे नहीं, रिस्की जोन है। तो ऐसे एक्सप्लोर करते करते हमें एक नई जगह मिली, जो कि यहाँ से, हाँ यहाँ से ऊपर रास्ता है, ऊपर चलते हैं देखते हैं क्या है एक्चुअल।
कल जो ब्लॉग शूट करने गया था मैं, उसके अंदर में मेरे को लग गया पैर को, और इतना दर्द हो रहा है ना, फिर भी आपके लिए इतनी ऊंची जगह पर चढ़ना चलो आम बात है, आपके लिए तो हर एक चीज़ से लड़ना ज़रूरी है क्योंकि आपको वीडियोस चाहिए। तो ये आगे ऊपर, मैं आपको एंगल चेंज करके दिखाता हूँ। ये हमारे मामा जान, ये अपना जब्बा हमारा छोटा भाई, और ये रानी महल। तो भाईजान ऊपर से देखने में तो थोड़ा है इंटरेस्टिंग, पर उतना खास नहीं है, फिर भी चलो समय समय पे सबकी कीमत बदलती है, वैसा ही कुछ इसके साथ में भी हुआ, जो है ठीक है ना। तो अभी हम भी जाएंगे जब्बा के पीछे, जब्बा। तो चलो मिलते हैं अभी साईधाम के अंदर में, ठीक है ना। थैंक यू।